हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में, जहां पर आप सभी को मिलती है कॉमर्स रिलेटेड ए टू जेड वीडियोस। तो अभी कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे आप सभी देख पाएं लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात कर रहा हूँ कंपनी लॉ के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कंपनी की मीटिंग्स के बारे में। क्या होती हैं कंपनी की मीटिंग्स और कैसे कैसे की जाती हैं कंपनी की मीटिंग्स, ये सभी जानेंगे आप इस वीडियो में। कितने टाइप्स की होती हैं कंपनी की मीटिंग्स, आप सभी इस टॉपिक को बहुत ही आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सभा का आशय दो या दो से अधिक व्यक्तियों का किसी पूर्व निर्धारित समय एवं स्थान पर किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्र होने एवं विचार विमर्श कर निर्णय लेने से है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो सभा पूर्व सूचना के आधार पर एकत्रित दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह है जो किसी वैध व्यावसायिक कार्य को करने के लिए प्रस्ताव पारित कर निर्णय करता है। जैसा कि आप सभी भी करते होंगे, एक मीटिंग आयोजित करते होंगे जहां पर आप सभी एक साथ मिल करके बातचीत करते होंगे। जब कंपनी द्वारा अपने संचालकों, अंशधारियों, ऋण पत्रधारियों आदि को पूर्व सूचना द्वारा कंपनी से संबंधित विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करने हेतु किसी एक स्थान पर एकत्र किया जाता है तो उसे कंपनी की सभा कहते हैं, अर्थात मीटिंग। जब आपसे इम्पोर्टेंट किसी बिंदु पर बातचीत करने के लिए आपको बुलाया जाए, दैट इज कॉल्ड मीटिंग। एक कंपनी के प्रबंध एवं संचालन में इन सभाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन सभाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 96 से 122 में आवश्यक प्रावधान दिए गए हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से एलिमेंट जरूरी हैं एक वैध सभा के लिए, यानी कि रिक्वायर्ड ऑफ है वैलिड मीटिंग। कैसे एक वैलिड मीटिंग मानी जाएगी, तो आइए चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट जानते हैं, सभा उचित प्राधिकारी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा बुलाई जानी चाहिए। कंपनी की सभा बुलाने के लिए सभा में उपस्थित होने का अधिकार रखने वाले सभी व्यक्तियों को उचित एवं पर्याप्त सूचना देना आवश्यक होता है। सभा में कार्यवाहक संख्या अर्थात कोरम की उपस्थिति होनी चाहिए। सभा का अध्यक्ष उचित तरीके से नियुक्त किया गया हो, यानी कि आप सभी जानते हैं किसी भी सभा को पूरा करने के लिए उसमें मेंबर्स की संख्या निर्धारित की जाती है। पांचवा पॉइंट क्या है, सभा की निश्चित कार्य सूची होनी चाहिए। सभा अधिनियम व अंतर नियमों में दिए गए प्रावधानों के अनुसार संचालित होनी चाहिए। सभा में प्रस्तुत मामलों में विचार विमर्श किए जाने चाहिए और उनका सभी का जो होना चाहिए टॉपिक नियमानुसार हो, उचित मतदान द्वारा निर्णय लिया गया हो, नियमानुसार प्रस्ताव पारित होना चाहिए। सभा की कार्यवाही का सूक्ष्म अथवा कार्यव्रत लिखा जाना चाहिए। कार्यव्रत यानी कि एक मिनट्स, उसका क्या क्या हुआ है वहाँ पर। यहाँ पर यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि कंपनी के अंशधारी सभा में लिए गए निर्णयों से पूर्णतया बाध्य होते हैं, भले ही वे उस सभा में उपस्थित थे या नहीं, बशर्ते वह सभा वैध होनी चाहिए। कंपनी में अलग अलग स्तर पर सभाएं होती हैं, क्योंकि प्रत्येक सभा का अलग अलग उद्देश्य व कार्य होता है। अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से कंपनी की सभाओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। आइए जानते हैं किस किस तरह की सभाएं होती हैं। अंशधारियों की सभाएं, शेयर होल्डर्स मीटिंग। शेयर होल्डर की मीटिंग्स होती हैं दो टाइप की, जिसमें आती है एनुअल साधारण सभा और एक होती है असाधारण सभा, एक होती है वर्ग सभाएं। संचालकों की सभाएं यानी कि डायरेक्टर्स की मीटिंग होती हैं। तीसरे नंबर पे आती हैं ऋण पत्रधारियों की सभाएं यानी कि डिवेंचर्स होल्डर्स मीटिंग। ऋण पत्रधारी कौन होते हैं, जो कंपनी को ऋण देते हैं। ऋणदाताओं की सभाएं, क्रेडिटर्स मीटिंग्स।